यहां आप लोग सबको पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज वाकई में एक बहुत अच्छी स्थिति में अपन रोडवेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 360 करोड़ रुपया हमने आप लोगों को दिया है, और जैसे आप इनने बताया कई चीजों के ऊपर वो 360 रुपए, पर मैंने ये भी कहा है कि मैं आपको रीएम्बर्स कर रही हूं, जो फ्री चलते हैं उसके लिए भी मैं रीएम्बर्स आपको कर रही हूं। तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों से एक संकल्प लेना चाह रही हूं कि जब मैं फ्री को पेमेंट कर रही हूं तो मेहरबानी करके अब आप भी कॉम्पिटिशन में आने का काम करें। ये एक्सपेक्टेशन आप पूरा करेंगे? नई बसें आ गई, 500 नए बसें आने वाली हैं, टोटल फ्लीट आपकी क्या 1200 एंड कुछ बसें हो जाएंगी, 1205 बसें हो जाएंगी। इतना बड़ा काम हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि अब बार बार आप लोग मुझे कहते रहते हो कि हमें मौका तो दो, हम दिखाएंगे आपको कैसे बदल के दिखाएंगे, तो अब मौका मिल रहा है इसको बदल के आप लोग दिखाएंगे, आप इसको कॉम्पिटिशन में लाएंगे, और आप राजस्थान के नाम को, राजस्थान की रोडवेज के नाम को ऊंचाइयों के ऊपर छाने माने लेने का ये काम करके हमको देंगे। क्योंकि अगर हम रोड में फर्स्ट हैं, अगर मैं स्किल में हम लोग फर्स्ट हैं, अगर कई और चीजों के अंदर अगर सरकार फर्स्ट आ रही है, तो इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपके रोडवेज के अंदर क्यों नहीं? ये एक मंत्री है जिसके पास ये दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट जो है उसमें तो आप छाए जा रहे हो, और आज रोड ट्रांसपोर्ट के कार्यक्रम के अंदर आपने अपनी रोड्स के बारे में यहां बताइए। मैं आपके ऐसे कार्यक्रम के अंदर आना चाहती हूं जहां आप रोड की बात करेंगे ही नहीं, और मेरे को रोडवेज की बात करके मेरे को ये बताएंगे कि आपके ये सब लोगों ने मिलकर, ये एक पूरा परिवार है, इस पूरे परिवार ने मिलकर राजस्थान के रोडवेज को कैसे चमकाया, वो आप बताओगे तब तो मानेंगे कि आपका कोई लोहा है। तो क्या मतलब, क्या तो हम ही दे रहे हैं, ये चेंज आप हमें ला के दोगे, और ये चेंज जिसमें 360 करोड़ रुपया, जिसमें 1200 बसें, जिसमें सपोर्ट हम जो आपको दे रहे हैं वो तब दे रहे हैं जब फाइनेंशियल स्टेट की कितनी कमजोर, तीन साल पहले किस स्थिति में हमने, किस फाइनेंशियल स्थिति में हमने लिया, और धीरे धीरे उसको कहां तक हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है। आपने हमसे कभी ये नहीं सुना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कहीं से भी जोड़ तोड़ कर करा के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और आज रोडवेज तक का भी हम लोगों ने ये काम पूरा कर दिया। पर मैं ये कहना चाहती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तंगी नहीं हो रही है। अब ये घर की बातें हैं, घर में रहती हैं, जैसे आप लोग सब जानते हो, और आप लोग सबसे उसको अच्छी तरह से पहचानोगे, इसलिए मेरी मदद करिए, सरकार की मदद करिए, और यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूं कि रोडवेज भी क्यों पीछे रहे, क्यों रहे। मंत्री महोदय, नेक्स्ट टाइम मुझे आप बुलाएंगे तो मुझे यही बताने के लिए बुलाएंगे कि आपका रोडवेज आज भारत के, आप बता रहे हो मेरे को कि मैं रोडवेज का, मैं सब पूरे दूसरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का अध्यक्ष हूं, यही बताया ना आपने, तो उनके सामने क्या बोलोगे आप? या तो मेरे सामने, इनके सामने तो बोल दिया, जब वहां जाओगे तब क्या बोलोगे? इनके भी आप कह रहे हैं कि रोडवेज भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पे जाएगी, तो आप खड़े करके कर दो ना, अरे बता दो, इनकी इज्जत भी बचाए रखो अब। हाँ अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सब इतनी सारे बसें यहाँ देख के, और मैं धन्यवाद ये भी देना चाहती हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये मेक इन राजस्थान 5 को छोड़ के मेक इन राजस्थान, तो मेक इन राजस्थान ये तो अपन लोगों ने चालू कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेक इन राजस्थान के 105 बसें यहां खड़ी हुई, और जो आपके स्कैनिया हैं, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि दो आपकी ये बसें मल्टी एक्शन वाली जो है वो हरिद्वार को दो जाएंगी, और दो तीन दिल्ली के लिए जाएंगी, और हमारी बसें जो हैं उनसे अब बनारस, शिरडी, मुंबई, गोरखपुर और कटरा, मैंने वाराणसी, शिरडी और कटरा और गोरखपुर और मुंबई, तीनों पांचों जगह लोगों को दर्शन कराने का भी मौका आप दोगे, और अच्छे रूट्स हैं, मैं समझती हूं कि ये रूट्स हमको भी सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरे को आपने बुलाया, मेरे को भी मौका दिया इनको एक चैलेंज करने को,
कि आने वाले समय में अपन क्या करने वाले, और आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सिंपली बाइंग बसेस और चलाने वाली बात नहीं है, आपका आगे का प्रोग्रेस क्या हो रहा है वो भी आप हमें बताइए। आज पूरी दुनिया, आपने मेरे को आईटी के बारे में बहुत कहा, आप मुझे बताइए कि आपका विभाग आईटी कहाँ तक पहुँचा है। हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस तो सबके हैं, ऑनलाइन करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ड्राइविंग फेक बना रहे हैं हम। वो तो देखिए, वो सबके लिए मैं आरएसआरटीसी से पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, आरएसआरटीसी ने तो बहुत काम किया, ऑनलाइन टिकटिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकटिंग है, और वाईफाई है, डीलरशिपों में वाईफाई डीलर्स को जो बचे हैं, एक्सीलेंट, और बाकी बीटीएस है अपने बाईस जो बचे हैं, बीटीएस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ है, और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने में भी सब बीटीएस और कैमरे लगे। अब आपके जैसे सब पूरे, मैं एक चीज को ध्यान रखना, कमांड एंड ये आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, ये आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। हम लोग वैसे भी खड़ा कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे। मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्ट का भी अगर आप उसके साथ जोड़ देंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ और भी चीजें आपकी जुड़ जाएंगी, जिसका फायदा हमारे रोडवेज के सब हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। प्लीज आप इसके लिए भी अपनी मदद करने की कोशिश करें। फिर मुझे तो पूरा विश्वास है, ये तो आपके मंत्री हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इनमें इतना तो हुनर है कि आप अगर इनको मौका दोगे तो ये आपके इस आरएसआरटीसी को मालूम नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। और मैं एक साल बाद पोलिंग करूंगी, ये पोलिंग होते हैं ना सर्वे की पोलिंग, इसमें पोलिंग करवा के मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपका ये डिपार्टमेंट लोगों को कितना खुश कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका पोलिंग का भी नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा और लोग कहेंगे कि हमारा आरएसआरटीसी जो है उसने आज राजस्थान के गरीब से गरीब जनता को इतनी अच्छी सर्विस दी है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा? यस यस, सब लोग यस कहेंगे। थोड़ी सी ऊर्जा लाओ मंत्री जी, क्या करते हो आप? हाँ, और ये सब लोग करके और आगे आने वाले समय के अंदर ये भी ऐसा एक डिपार्टमेंट हो जाएगा जो पीडब्ल्यूडी के साथ साथ चार चांद मैंने अपने चार चांद अपने अपने डिपार्टमेंट पे लगाएगा। आई होप आप लोग भी अग्रीड हो, ये तो अग्रीड है ही। और मैं इसलिए आपको आज के दिन बधाई देना चाहती हूं, एक नए सिरे से आप लोग इसको चालू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान की शान और गौरव आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूं, कई बार मैं बाय कार गई हूं दिल्ली, या बाय कार अगर मैं जाती हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो आरएसआरटीसी वाली बस निकल के जाती है मेरे सामने। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपनी बस है, इसमें अपने ही लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु जब मैं साइड में चलती हूं तो मैं तो आंख इसलिए फेर लेती हूं कि ऐसी गंदगी दिखनी है दिखती है साइड में, कि कभी कभी लगता है कि ये आरएसआरटीसी की बस को मैं एक्नॉलेज करूं कि नहीं करूं। थोड़ा सा सफाई रख लो, साइड से सफाई हो जाए तो मालूम पड़े कि यूपी की नहीं है, ये महाराष्ट्र की नहीं है, ये राजस्थान की बस है। बोलो तो सही भैया, ऐसा मत करो। आप जब निकलोगे तो सब लोगों ने कह दिया है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सफाई अपने को करनी है, तो सफाई तो अपन करेंगे ही करेंगे, अपन अपने राजस्थान के अंदर कर भी रहे हैं। पर राजस्थान का एक भी चीज कोई यहां से बाहर जाता है तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये राजस्थान की चीज है, चाहे वो बस हो चाहे वो और कोई भी चीज हो। ये भी एक चुनौती का प्रश्न है, जो ड्राइवर चला रहा है अगली बार मैं रोक के कहूंगी यार ये क्या है, और नहीं तो मैं कहूंगी वेल डन। सो इतने सारे चैलेंजेस और इतनी सारी नई बसें, ऐसी बसें आपको मेरे को रोड में दिखेंगी ना तो मैं तो रियली आपको स्टॉप करके कहूंगी वेल डन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सबको यहां इकट्ठा हुए हैं, एक नए सिरे से आप लोग चालू इसको करने की कोशिश करेंगे। यही विश्वास के साथ आप लोग सबको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयां।